अब हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में। तो प्रथम हम 3 राशियों के बारे में आपको बताएंगे, मेष, वृष, मिथुन। तो आइए हम जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, तो मेष राशि के जातकों के लिए जो गोचर है इस समय आपका मिथुन का सूर्य बुध बैठा हुआ तृतीय भाव में, और आपका राहु शुक्र है कर्क राशि पर, तुला कन्या राशि पर आपका चंद्रमा है, तुला राशि पर बृहस्पति है, और धनु राशि पर शनि बैठा हुआ है, मकर का केतु मंगल आपका बैठा हुआ है। तो आपका समय आपके अनुकूल चल रहा है, आपके प्रयासरत कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, परिश्रम से आपको बड़ा लाभ मिलेगा, भाग्य आपका साथ दे रहा है। समय के अनुसार आप समय को सही इस्तेमाल करिए, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, उसमें सुधार आएगा, आपको राजनीति के क्षेत्र में बड़ा लाभ होगा, आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे, मुकदमे में आपको विजयश्री मिलेगी, और बाह्य क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा, माता पिता का सुख मिलेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि किसी भी कार्य को सही वक्त करने पर सीखें, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कल पर टालते हैं तो कल पर टालना बंद करिए। और आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि लाल रंग का पुष्प ले लीजिए और चावल को लाल रंग में रंग लीजिए, और भगवान सूर्यदेव को आप जल अर्पित करिए, मंत्र भी चाहे तो लिख लीजिए, ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र को लिख लीजिए। आप 24 बार इस मंत्र का जप करते हुए आप अगर सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके यश में वृद्धि होगी, आपका भाग्य आपके अनुकूल होगा, और आपको जो कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज मिलती है, उससे आप अपने को चार्ज महसूस करेंगे, ताकतवर महसूस करेंगे, इसलिए सूर्य को जल चढ़ाना न भूलें। आपके लिए शुभ अंक 9 है, शुभ रंग लाल है, और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अभी आपने जाना मेष राशि के बारे में, किसका भाग्योदय होगा, इनको क्या उपाय करने चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मैंने इसके बारे में बताया। अब बारी है वृष राशि की। तो वृष राशि के जातकों के लिए मिथुन का सूर्य बुध द्वितीय भाव में, आपका कर्क राहु, कर्क का राहु है और शुक्र है, दैत्य गुरु शुक्र, ये दोनों पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, और आपका कन्या का चंद्रमा पंचम में संतान भाव में, और तुला का बृहस्पति छठे, धनु का शनि आपके 8वें बैठा हुआ, और केतु मंगल आपके 9वें बैठा हुआ है। तो इन गोचर के हिसाब से आपकी महत्वाकांक्षाओं का पूर्ण होने का समय आ गया है। आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, निगेटिव सोचते हैं तो आपकी एनर्जी ह्रास होती है, तो आप निगेटिव न सोचें, व्यर्थ की बातों में अपना समय बेकार न करें, जितना बड़ा परिश्रम करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी, और बहुत ऐसे कार्य हैं जो आप कर लेंगे, आपको शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा, आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा होगी, भाग्य आपके अनुकूल है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो ज़रूरत है अपने समय को सदुपयोग करने की, अपने को चैनलाइज करने की, और जितना आप अर्थ के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में जितना बड़ा कार्य करना चाहते हैं उसके लिए आपका समय स्वर्णिम चल रहा है। तो आप पूरी ऊर्जा के साथ उत्साहित होकर लग जाइए, आज आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएँ बन रही हैं। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, तो दूसरों की बातों में ना आएं, ना अपना समय बर्बाद करें। उपाय क्या करना है, उपाय आपको ये करना है कि आप भगवान महादेव, देवाधिदेव शिव को बेलपत्र, मदार का पुष्प अर्पित करें, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव को जलाभिषेक करें। एक तो जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन उनको भगवान शिव भोले भंडारी, उनको जो भी आप प्रेम से चढ़ाते हैं वो खुश हो जाते हैं, तो उनको श्रद्धा भाव के साथ आप अर्पित करिए। शुभ अंक आपका 4 है, शुभ रंग आपका सफ़ेद है, और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अभी आपने जाना मेष और वृष राशियों का हाल, मैंने बताया इनका राशिफल और इनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किसका भाग्योदय होगा, किसको राजनीति में जाना है, किसके जीवन में विकास होगा, इस पर मैंने विस्तृत रूप से बताया। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि का लग्न में सूर्य बुध बैठा हुआ है, और आपके द्वितीय भाव में कर्क का राहु शुक्र है, कन्या का चंद्रमा चतुर्थ हाउस में, आपके संतान भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है, और आपके अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम में सूर्य पुत्र शनि बैठा हुआ है, अष्टम में केतु मंगल है। तो आज जो गोचर के हिसाब से, एक तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मान सम्मान मिलेगा, योजनाओं को पूर्ण रूप में
प्रायोजित करने का समय आ गया, जो भी योजनाएं बनाएंगे वो मूर्त रूप में होने का समय आ गया है, सफल होने का समय आ गया है। आपको धन के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। साहित्य जब अभिरुचि के हैं, साहित्यिक क्षेत्र में अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको बड़ा नाम होगा, आपको पुरस्कार मिल सकता है। वाहन खरीदने का योग बन रहा है और अकारण यात्रा का भी योग बन रहा है, और जो आपका रुका हुआ कार्य है वो भाग्य से सफल होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो इधर आपका जो समय देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है। शासन सत्ता से लाभ, आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, माली हालत अच्छी होगी, पदोन्नति होगा। अब आपको सावधानियां क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी कि कोई भी काम बिना सोचे समझे ना करें, सोच समझ करके निर्णय लें और अपना समय बर्बाद ना करें, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर करें। और आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि आप आराधना करें भगवान श्री गणेश की और पंचमेवा का खीर बना लें और भगवान श्री गणेश को अर्पित करें पंचमेवा के खीर से। और मंत्र चाहे तो पढ़ सकते हैं, ओम गंग गणपते नमः या ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र से आप भगवान गणेश को चढ़ाइए पंचमेवा और खुश हो जाते हैं और आपके सारे विघ्न बाधाओं का हरेंगे और आपके जो जो दिन में जो दिक्कत आ रही है, जो रुकावटें आ रही हैं, वो और स्मूथ लाइफ हो जाएगी। आज आपके लिए शुभ अंक 9 है, शुभ रंग हरा है, लक मीटर 9 है। अभी हमने बात की लकी कॉलर से, उनकी समस्याओं को सुना और उनका समाधान बताया। अब हम बढ़ते हैं राशियों की तरफ, बात करते हैं कर्क सिंह कन्या राशि के बारे में। तो आइए जानते हैं कर्क राशि का क्या हाल होगा। तो जो कर्क राशि है उनके गोचर में शुक्र राहु और कन्या का चंद्रमा तीसरे, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में, सूर्य पुत्र शनि छठे बैठा हुआ है और पृथ्वी पुत्र मंगल और केतु सातवें बैठा हुआ है और आपका दिवापति सूर्य और बुध चंद्रमा पुत्र बुध बैठा हुआ है द्वादश भाव में। तो इन ग्रह गोचरों के हिसाब से जो इस समय आपका समय चल रहा है, आपकी जो प्लानिंग है, जो योजनाएं हैं, उसको सफल होने का समय चल रहा है। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने का समय चल रहा है और जो आपके व्यापार के क्षेत्र में अगर आप कोई रोजगार खोलना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं या इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में आपको पदोन्नत होने की संभावनाएं हैं और आपकी पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा और आप कोई भी अगर प्रयास करते हो तो उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और वाद विवाद से आपको बचने की जरूरत है क्योंकि झगड़े में आप उलझने से आपका समय बर्बाद होगा, तो उसमें बच जाना नहीं है। और आप रोग और शत्रु पर आपको विजयश्री मिलेगी। न्यायालय में अगर कोई आपका विवाद चल रहा होगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर में नए मेहमान के आगमन की भी संभावनाएँ बन रही हैं। आपको सावधानियाँ क्या बरतनी है, सावधानियाँ बरतनी है कि आपको कोई भोजन पसंद आता आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो ओवर ईटिंग करने से बचना, नहीं तो आपका सेहत ख़राब हो सकता है। और आपको ध्यान, आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि भगवान शिव को बेलपत्र और मदार और जल से अभिषेक करना है और उनकी पूजा करनी। और साथ ही साथ चूँकि शिव के सिर पर चंद्रमा रहते हैं तो अगर चंद्रमा को भी अर्घ देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे और आपके चंद्रमा भी पसंद होगा, तो ये दोनों आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आपके लिए जो शुभ अंक है वो 4 है और आपका शुभ रंग सफ़ेद है और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अभी आपने जाना कर्क राशि के बारे में, इनका कैसा होगा भाग्योदय, इनका दिन कैसे बीतेगा और ये जीवन में कितनी सफलता मिलेगी, इस पर हमने बात किया। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। तो जो सिंह राशि के गोचर में कन्या का चंद्रमा है, तुला का बृहस्पति है तृतीय भाव में और पंचम में धनु का शनि बैठा हुआ है जो सूर्य पुत्र है और पृथ्वी पुत्र मंगल और केतु एक साथ बैठा हुआ है और आपके एकादश में दिवापति सूर्य और चंद्रमा पुत्र बुध बैठा हुआ है और आपके दैत्य गुरु शुक्राचार्य एकादश भाव द्वादश भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं। तो इन गोचर के हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है और आपके परिवार में नए मेहमान के आने की संभावना बन रही है। यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। आपको शत्रु से सावधान रहना है और अपने खर्च को नियंत्रित करना है। आय बढ़ाने की योजना पर आप कार्य करें, वैसे मत घबराइए, अपनी आय को बढ़ाइए। और आपका जो एकादश में सूर्य बुध है ये क्या करता है कि वर्सेटाइल तरीके से धन दिलाता है और पंचम का शनि आपके संतान भाव में प्रगति कराता है और संतान की प्रगति से मनव का प्रफुल्लित रहता है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा चल रहा है और कन्या राशि का चंद्रमा साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाता है, लेखन कार्य से धन दिलाता है और आदमी को पुरस्कृत भी करता है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको सावधानी ये बरतनी है कि आप आलस्य का परित्याग करें और
हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें, 11 पुष्प ले लें और लड्डू चढ़ावें बूंदी की, अच्छा रहेगा। और आपके लिए शुभ अंक है 5, शुभ रंग है केसरिया और आपका लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। गोचर के हिसाब से जो इस समय आपका समय चल रहा है, आपको जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, और जो आप योजनाएं बना रहे हैं, जो आपकी प्लानिंग है, उसको इम्प्लीमेंट होने का समय आ गया है, और आपके रोजगार में वृद्धि होगी। और अगर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो उसमें भी आज आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। दशम में आपका सूर्य है, तो आपको शासन सत्ता से लाभ मिलेगा, आपको पदोन्नति होगा, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसकी होने की संभावनाएं बन रही हैं। राहु शुक्र एकादश में तो क्या करता है कि मल्टीटास्किंग से धन दिलाता है। अगर आप जैसे कोई उद्योग खोलना चाहते हैं, माइंस में कार्य करना चाहते हैं, रियल इस्टेट में कोई कार्य करना चाहते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता की स्थिति हो सकती है, आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी कि जो आपके सोचने का डायरेक्शन है वो सही होना चाहिए। आप कई बार गलत दिशा में सोचने लगते हैं, इससे आपको बचना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है, आज किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलावें, और साथ ही अगर वस्त्र दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपके लिए जो आज का शुभ अंक है 6 है, शुभ रंग ग्रीन है, और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में, तो आइए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए गोचर में तुला का बृहस्पति बैठा हुआ है, और आपके धनु का सूर्य पुत्र शनि बैठा हुआ है, केतु मंगल आपके चतुर्थ भाव में, और राहु शुक्र दशम भाव में, नवम में सूर्य पुत्र। तो ये जो आपकी योजनाएँ हैं उसके पूर्ण होने का समय आ गया है, और आपका जो सोच रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो समय आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा है। अपने समय का सही दिशा में इस्तेमाल करें, समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको लाभ मिलेगा और आपको शुभ समाचार भी मिलेगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, यात्रा होने का योग बन रहा है, भाग्य से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। और यह समय जो चल रहा है आपके लिए बैटिंग करने का समय है, आप जितना बढ़िया मेहनत करेंगे, जितनी बड़ी योजना बनाएंगे, जितनी अपनी कार्य क्षमता को पूरे एनर्जी के साथ लगेंगे, उतने बड़े पैमाने पर आपको चतुर्दिक रूप से सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सोच समझ कर यात्रा करें, यात्रा जो भी करना है सोच समझ के करें, आप यात्रा अपनी बदलते रहे तो प्लानिंग करके तब उसको इम्प्लीमेंट करें, अच्छा रहेगा। आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि भगवान शिव की पूजा करें, आपको लाभ मिलेगा, और बहुत ही सिंपल मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र इसको बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, लिख लीजिए कहीं, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें 24 बार कर लें, एक माला कर लें, तीन माला कर लें, जितनी आपके पास समय हो समय अनुसार आप जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको एनर्जी मिलेगी, और शिव शक्ति का प्रतीक है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपका 7 है, शुभ रंग आपका नीला है, और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। वृश्चिक राशि का जो गोचर है उसमें आपका धनु राशि का शनि धन भाव में बैठा हुआ है, आपके केतु मंगल पराक्रम भाव में, और आपका जो बुध और सूर्य है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, नवम भाव में कर्क का राहु और शुक्र, और कन्या का चंद्रमा एकादश भाव में, और आपका जो तुला का बृहस्पति है वो 12 में बैठा हुआ है। तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में मन मुटाव हो सकता है, थोड़ा सा उसे बचने की जरूरत है, पिता का सहयोग मिलेगा और आय के स्रोत में वृद्धि होगी, विदेश से आज आपको बड़ा लाभ हो सकता है, और आपके आयात निर्यात होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, दूर देश की यात्रा होने का योग बन रहा है। और आपका जो 12वें बृहस्पति है तो बृहस्पति क्या करता है कि शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता है और उनका विनाश भी करता है, और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और राहु शुक्र क्या करता है कि आज आपका भाग्योदय कराएगा। अगर आप कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, कोई व्यापार करने के लिए सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं कि बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षित है कि मैं आज जमीन खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, तो उसकी योजना आपका सफल होगा और आज आपको लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है आपको, सावधानी ये बरतनी है कि द्रुत गति की गाड़ी न चलावें, तेज वाहन न चलावें, और थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अपने विचारों को, मन को थोड़ा सा ठीक रखने की ज़रूरत है, मन में किसी प्रकार का भय न रखें, डर न रखें, मन को अच्छा रखें, बैलेंस रखें, अज्ञात भय से भयभीत न हो। आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि संकट मोचन हनुमान जी को आज आप चोला चढ़ावें, आपको लाभ मिलेगा। आपके लिए जो अंक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण अंक है, शुभ अंक है, वो 9 है, और शुभ रंग सुर्ख लाल है, लक मीटर आपका 9 है। हरे कृष्ण।
अभी आपने जाना तुला और वृश्चिक राशि का हाल, इनकी कैसी रहेगी ग्रह दशा, किनको पदोन्नत मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से आपको बताया। अब बारी है धनुराशि की। धनुराशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। एक तो लग्न में आपका शनि है गोचर में और केतु और मंगल एक साथ द्वितीय भाव में, जो धन भाव होता है, और आपके सातवें हाउस में सूर्य बुध, अष्टम में राहु शुक्र और आपका एकादश में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो क्या होता है कि इससे आपको आज आत्मबल में वृद्धि होगी, आज आपको लाभ होगा, और कोई प्लानिंग करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। परिश्रम से आज आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। संतान से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा और खुश रहेगा। छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। और हेल्थ को लेकर आज आपको सावधानी बरतनी है, हेल्थ कहीं आपकी दिक्कत न हो, इसलिए आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। ससुराल से लाभ मिलेगा, पिता का विशेष कृपा मिलेगा और उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन चिंतित होने की जरूरत नहीं, उनके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर सुधार होगा, जो मध्यान्ह काल के बाद सुधार होगा, तो उसमें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लग्न का शनि क्या करता है कि आपकी आत्मबल को बढ़ाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, जो आप योजनाएं बनाएंगे, जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता दिलाता है, आपके दृढ़ प्रतिज्ञा को बढ़ाता है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, जो आपके अंदर डिटर्मिनेशन पावर है, वो आपके सभी सफलता का वाहक बनेगा। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, हेल्थ को लेकर सचेत रहें, आप हेल्थ को लेकर के इग्नोर न करें। उपाय क्या करना है, गरीबों को जाकर के मंदिर में आप भोजन करावें, बहुत अच्छा रहेगा, और साथ ही अगर वस्त्र धारण करने के लिए देते तो और अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 3 है और आपका शुभ रंग पिंक है, आपका लक मीटर 8 है। अभी आपने जाना धनुराशि का हाल। अब हमारा समय हो चुका है प्रश्नकाल का। तब प्रश्नकाल में हम अपने लकी कॉलर से बात करेंगे और आज मैं बात करूंगा गुरु के नुस्खे में, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। जिनके शादी हो गई है और घर में बच्चे की किलकारी नहीं सुनने को मिल रही है, उसके बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनते रहिए और प्रतीक्षा करिए। अभी आपने देखा कि आज मैंने गुरु के नुस्खे में आपको एक अच्छा उपाय बताया कि जिससे किसी के घर में संतान न हो तो संतान लाभ कैसे होगा, इसके बारे में मैं बताया। अब हम बात करते हैं अगली 3 राशियों के बारे में, मकर, कुंभ, मीन। अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। तो जो मकर राशि के लग्न में मकर का केतु और मंगल बैठा हुआ है, तो इससे आपकी योजनाएं सफल होंगी, जो आप प्लानिंग करेंगे वो आपको लाभ मिलेगा, योजनाओं से लाभ मिलेगा बड़े पैमाने पर। और आपके छठे भाव में सूर्य बुध बैठा है, तो ये शत्रु और रोग का नाश करता है, रोग और शत्रु के लिए नाश करता है, शत्रुहंता योग बनाता है। और राहु शुक्र सातवें है, बृहस्पति दशम में, और आपका नौवें शनि बैठा हुआ है, जो 12वें धनु राशि का शनि 12वें बैठा हुआ है। तो शनि क्या करता है कि एक तो आपकी यात्रा को लाभ दिलाता है, जो आप प्लानिंग करते हैं उसमें लाभ आपको मिलेगा, और आपके आत्मविश्वास में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। और आप अपने भावनाओं पर, गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखना, इमोशनल नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, और वाद विवाद से बचना है। किसी बात में मध्यम मार्ग अपनाइए, वाद विवाद कोशिश करिए कि ना हो। विदेश से व्यापार होने की संभावनाएं बन रही हैं, और आज आप अगर किसी अज्ञात व्यक्ति से करते हैं विदेश में व्यवहार, तो उसमें थोड़ा नुकसान हो, तो उससे बचना है, ध्यान रखना है। भाग्य से आज आपको लाभ मिलेगा, भाग्य आपके पक्ष में है। अब सावधानी आपको क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि अपनी योजनाओं को कैसे आप क्रियान्वयन करें उस पर लग जाइए पूरी एनर्जी के साथ, आपके लिए ठीक रहेगा। और खुद के लिए भी समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका समय अपने लिए नहीं है, इसका ध्यान रखना। अपने को भी थोड़ा समय देना है और आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना अपने लिए। और आज आपको उपाय क्या करना है, हर शाम अपने घर में सरसों के तेल का दीपक जलावा। जब सरसों का तेल के दीपक जलाते हैं तो ध्यान रखें कि जो दिया होता है, दीपक होता है, उसके नीचे 2-4 पीला सरसों भी रख दीजिए नीचे, जो दिए के नीचे, उससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग ब्राउन है और आपका लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अभी आपने जाना मकर राशि के बारे में, इनके भाग्य के बारे में जाना, इनका कैसा रहेगा आपने देखा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जो जातक है, एक तो उनके 12वें केतु मंगल है, एकादश भाव में धनु का शनि है, और आपके जो 7वें भाव में जो सूर्य जो घर है, जो सूर्य का घर है, वो त्रिकोण में बैठा हुआ, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, और 6ठे भाव में राहु शुक्र, और अष्टम में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है। तो आज आपको क्या करना है कि आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी गुस्सा से बचना है। आज आपको मान सम्मान मिलेगा और आपके अर्थ के क्षेत्र में लाभ होगा, आर्थिक सुधार होगा, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे आपको, और स्वास्थ्य को लेकर
जो चिंता है वो बढ़ सकती है और रोग और शत्रु दोनों परास्त होंगे। तो बहुत ज़्यादा चिंतित करने का पॉजिटिव सोचिए और आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो खर्च से आपका मन परेशान रहेगा। और अगर आपको कोई नहीं सूझ रहा है, अंतरात्मा की आवाज़ पर कार्य करें, क्योंकि इनर सेंस की बात मैंने क्या कहता है, इनर सेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो बताता है सही बताता है। अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और उसी के दिशा निर्देशन में कार्य करें, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि जो आपके परिजन हैं उनसे किसी प्रकार का वाद विवाद न करें और माता पिता का ध्यान रखें और अपने बच्चों के लिए भी समय दें, बहुत अच्छा रहेगा। आज आपको उपाय क्या करना है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, बहुत अच्छा रहेगा और आपको इससे लाभ मिलेगा। शुभ अंक आपका एक है और शुभ रंग आपका सफ़ेद है, लक मीटर आपका 7 है। हरे कृष्ण। अभी आपने जाना मकर और कुंभ राशि का हाल कैसा होगा, इनका भाग्योदय, किसको नौकरी मिलेगी, किन का पदोन्नति होगा, किन को गृह निर्माण का योग बन रहा है, इस सब के बारे में आपने जाना। अब बारी है अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि के जातक होते हैं उनकी कुंडली में जो इनका गोचर है सूर्य बुध है चतुर्थ भाव में, पंचम का राहु शुक्र है, दशम में शनि है और तुला का बृहस्पति है, केतु मंगल एक साथ एकादश भाव में। तो ऐसे जातकों के लिए, जो समय चल रहा है मीन राशि वाले जातकों के लिए, यह समय महत्वपूर्ण चल रहा है। आपकी योजनाएं सफल होंगी, आपको मान सम्मान मिलेगा और आपको चतुर्दिक लाभ मिलेगा और आपकी मान सम्मान जो भी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें वृद्धि होगी। आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा, अगर कोई नया व्यापार करने की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र के शुभ अवसर मिलेंगे। रियल इस्टेट में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो उससे भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा। गृह निर्माण का प्रबल योग चल रहा है और आज आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, पिता से भी लाभ मिलेगा और कोई योजना बना रहे निर्माण कार्य करने के लिए तो उसमें भी आज आपको लाभ मिलेगा। और आपका जो राहु शुक्र है पंचम हाउस में, तो आपके पास बहुत ही फर्टाइल आइडिया होगी, सोच आपकी बहुत अच्छी होगी। आप जो अगर कोई बड़ा विजन बनाते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, तो आज आपको उसमें चतुर्दिक चौतरफा सफलता मिलने की संभावना बने और आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। तो आज अपना समय सारा काम लगा के पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, और जुनून के साथ लगिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी कि पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आवेश में आकर के, गुस्से में आकर कोई काम ना करें, थोड़ा सोच समझ करके कार्य करें। आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी है। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है और कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो उनको अर्पित करना है, क्योंकि इससे बड़ा उनको लाभ मिलेगा, आपको अच्छा रहेगा, इनको पसंद है। शुभ अंक आपके लिए 8 है और शुभ रंग आपका गोल्डन कलर है और आपका लक मीटर 9 है।